चलिए आज मैं बताने वाला हूँ आर एस अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर है 18। तो सबसे पहले बात होती है क्या, देखिए यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो डेट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिया गया है कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका क्या करना है, चेक करना। तो चेक करने का एक मैं कंडीशन बता देता हूँ। पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने पर्सनली, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, और उसका एग्जांपल सहित। तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ठीक है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब होता है कि चलिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से हम बताते हैं कि कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, कैसे समझेंगे कि ये गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है, क्लियर है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखिएगा, पहले कुछ बातें बताते हैं कंडीशन क्या है। तो देखिए कंडीशन इसका क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी हो, ठीक है, ऐसा भी है तो हम समझते हैं कि कोलिनियर है। अब देखिए बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी हो, यह भी कोलिनियर का कंडीशन है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब देखिएगा यहां पर सी ए प्लस ए बी इक्वल टू बी सी, देखिए ये टोटल वैलिड होनी चाहिए, इसमें से कोई भी अगर एक वैलिड होता है तो कोलिनियर पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्लियर है ना। तो चलिए हम चलते हैं आर एस अग्रवाल में, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लियर है ना। अब देखिएगा यहां पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो फोटो बना लेते हैं, फोटो कंपलसरी है, देखिए हमने यहां पर फोटो बनाया, चलिए देखिए यहां पर हमने फोटो बना लिया। आइए अब देखिए फोटो बनाने में माहिर होना चाहिए, फोटो अच्छे तरीके से, कोई जरूरी नहीं कि अच्छे तरीके से, मैथमेटिक्स में टूटा फूटा चलता है, ठीक है। देखिए 5 2 और 9 5, सी में 9 5 पॉइंट नहीं दिया है, हमको मानना पड़ेगा, चलिए ले लिया ना। अब देखिएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हमको यहां लिखना पड़ेगा बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, पूरा नहीं लिखे हैं, डिस्ट लिखे हैं, मतलब समझना है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला। हम इसका डिस्टेंस फार्मूला का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सुनिएगा पहले। अब पहले ए बी निकाल देते हैं, ए बी इक्वल टू रूट अंडर करते हैं। अच्छा देखिएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे का स्क्वायर करेंगे तो 2 में से -1 माइनस होगा, ठीक है, 2 माइनस -1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिएगा 5 में से 1 जाएगा 4 का स्क्वायर और 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो चलिए हम 9 लिख देते हैं, तो कितना होगा 25 का 5 हो जाएगा ना, चलिए यानी कि यहां पर आ चुका है 5 यूनिट्स, ए बी इक्वल टू 5 यूनिट्स, क्लियर है। अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, बी सी, चलिए तो बी सी इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि देख रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं तो कहीं माइनस प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं होती है, इजी तरीके से होता है, 9 में 5 माइनस करेंगे तो स्क्वायर करेंगे और 5 में 2, देखिए यहां माइनस का झंझट खत्म। तो देखिए सावधानी पूर्वक चला के दिखाना होता है, तो यहां पर देखिए 9 में से 5 जाएगा कितना हुआ 4 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 हो गया, और 25 का कितना होगा 5, तो चलिए यहां भी ये भी 5 यूनिट्स आ चुका है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, कोलिनियर का कंडीशन पता चल गया, कोलिनियर का कंडीशन क्या होती है। अब देखिए सी ए निकालते हैं, ठीक है, सी ए, तो सी ए इक्वल टू रूट अंडर, देखिए इसमें से क्या करेंगे ना, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करना होगा, यही कंडीशन है। चलिए 9 में से 1 माइनस करते हैं, 9 में से 1 माइनस किया का स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस करते हैं
तो पहले से माइनस वन है, चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर किया ना। अच्छा देखिए नाइन में से वन जाएगा, एट का स्क्वायर होगा और प्लस फाइव प्लस वन का स्क्वायर होगा, यही है ना। तो देखिए एट एट सिक्सटी फोर और सिक्स थर्टी सिक्स, ठीक है, तो कितना आया रूट अंडर हंड्रेड, है ना। तो हंड्रेड किसका होता है, हंड्रेड का स्क्वायर रूट क्या होगा टेन। तो चलिए सी ए इक्वल टू कितना आया टेन यूनिट्स। अब देखिए मजे की बात है कि आप देखेंगे कि दो का सम तीसरे साइड के इक्वल होता है कि नहीं, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड। तो देखिए यहां पर यही नहीं लिखे है सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड, तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड्स, यही ना है। तो देखिए तो यानी कि ए बी प्लस बी सी एड करेंगे, सुनिएगा ए बी प्लस बी सी यानी कि फाइव प्लस फाइव यानी कि टेन, तो क्या आ गया है ये सी ए ना आ गया है। देखिए दो साइड को ऐड किए तो हमारे थर्ड साइड आ गया। तो कहने का मतलब होता है कि गिवन पॉइंट्स है जो ए बी सी है ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्लियर है। तो हम लिख देंगे क्लियरली, क्या लिखेंगे क्लियरली ए बी सी, ठीक है, आर कोलिनियर पॉइंट्स। और ये हमारा हो गया क्या है, हमको दिखाना था ना यूजिंग द, तो शो करना था ना शो, तो यहां पर हमने दिखा दिया, हम यहां पर लिखेंगे शोड चाहे सोन, हमने दिखा दिया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर टू कहता है, सुनिएगा क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, सॉल्यूशन करें क्वेश्चन नंबर टू का। अब देखिए क्या कहता है, तो चलिए हमने क्या किया, फोटो बना दिया ए सिक्स नाइन रख दिया सिक्स नाइन, चलिए बी जीरो वन, बी जीरो वन और सी हमने रख दिया माइनस सिक्स माइनस सेवन, माइनस सिक्स माइनस सेवन, चलिए पूरा क्लियर है। तो चलिए तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या किया, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, चलिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ए बी निकालेंगे, चलिए ए बी, ए बी इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, तो सिक्स में से जीरो जाएगा तो सिक्स का स्क्वायर प्लस नाइन में से वन जाएगा यानी कि नाइन माइनस वन का स्क्वायर लिखेंगे, और देखिए थर्टी सिक्स हो गया और प्लस एट का स्क्वायर ना, एट का स्क्वायर यानी कि थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर यानी कि आ चुका है हंड्रेड, यानी कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा टेन यूनिट्स, क्लियर है यहां पर आया ना। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी करना, थोड़ा तेजी रखना होगा, कैलकुलेशन को फास्ट रखिए और मजे कीजिए। देखिए ए बी एंड बी सी के बारे में बात करते हैं, चलिए बी सी, बी सी इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, माइनस सिक्स में से जीरो को माइनस करेंगे तो माइनस सिक्स ही होगा, माइनस सिक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर माइनस सेवन में से वन को माइनस करेंगे तो माइनस सेवन माइनस वन का स्क्वायर, यही है ना। तो चलिए यहां देखते हैं, देखिएगा सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स, चलिए अब प्लस सेवन माइनस वन तो माइनस एट का स्क्वायर, तो देखिए थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर, जब दोनों को ऐड करेंगे तो होगा हंड्रेड, चलिए हंड्रेड, तो हंड्रेड, हंड्रेड का कितना होगा टेन, यानी कि बी सी इक्वल टू टेन यूनिट्स, यहां तक आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब हम बात करेंगे किसका, यहां पर आया है सी ए, तो चलिए सी ए के बारे में बात करते हैं। तो सी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, ठीक है, तो हम यहां इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, और नाइन में से इसको, चाहे इसमें से इसको माइनस करेंगे जैसी आपकी इच्छा, चलिए इसी में से इसको माइनस करते हैं, तो माइनस सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन और माइनस नाइन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर हो गया
अ प्लस माइनस 16 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर माइनस एक चीज मैं बता दूं कि देखिए माइनस का भी अगर स्क्वायर रहेगा तो प्लस में ही वैल्यूज आती है, तो 144 प्लस 256। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0540 2834, यानी कि किसका होता है ये 420 का होता है। चलिए CE इक्वल टू 20 यूनिट्स, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, लिख सकते हैं ना, पूरा क्लियर समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहां से अब जो ऐड करेंगे, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड, नहीं समझा, लेंथ ऑफ टू साइड्स का सम करेंगे तो थर्ड साइड के लेंथ के इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं, देखिए ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे, देखिएगा यहां पर ए बी प्लस बी सी को ऐड किए, ऐड किए ना तो 10 + 10 इक्वल टू कितना आया 20 इक्वल टू सी ए है। चलिए सी ए है तो यानी कि हो गया, इसलिए चाहे देयर फोर लगा सकते हैं या 10 को टिक दे सकते हैं, है ना, इसलिए ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। हमने क्या किया, इसको सॉन कर दिया, यही तो दिखाना था ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड, तो चलिए पहले फोटो बना लेते हैं। चलिए हमने यहां पर फोटो बना लिया, ए लिख दिया, बी लिखा और सी, ए इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, बी इक्वल टू टू थ्री और सी इक्वल टू एट इलेवन, है ना। तो चलिए बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला थर्ड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, हमने क्या किया, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया। चलिए पहले ए बी निकालते हैं, चलिए ए बी इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, तो टू में से माइनस को इसको माइनस करेंगे तो थ्री में से इसे माइनस करना होगा, है ना। चलिए टू माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस माइनस वन का स्क्वायर हो चुका है ना। अच्छा देखिएगा 2 + 1, ठीक है, का स्क्वायर, और यहां होगा 3 + 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहां पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16, यानी कि हो चुका है 25, यानी कि ए बी इक्वल टू आ चुका है 5 यूनिट्स आ चुका है। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं बी सी, ठीक है, चलिए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर, ठीक है, क्या दिया है तो 8 में से 2 माइनस करते हैं, अगर 8 में से 2 माइनस करते हैं, ठीक है, तो 11 में से 3 माइनस करना होगा, चलिए 11 - 3 का स्क्वायर, चलिए तो 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 36 + 64, जब हम ऐड करेंगे तो 100 आएगा और बी सी इक्वल टू हो गया है 10 यूनिट्स, यही होगा ना, यही होगा 10 यूनिट्स, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। अब हम देखिए हम बात करते हैं यहां, अब देखिए सी ए हमें, अब पारी आ गया सी ए का, आइए जी चार्टर अकाउंटेंट, आइए आप पहले यहां पर लिखा जाइए, देखिए 8 में से माइनस 1 करना होगा, तो चलिए 8 - -1 का स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए 11 में से माइनस 1 करना होगा तो 11 - -1 का स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 + 1 का स्क्वायर कर दिए, और 11 माइनस माइनस प्लस होता है तो 11 + 1 का स्क्वायर किया, ठीक है। यहां देखिएगा ध्यान से 8 9 का स्क्वायर हो गया और यहां 12 का स्क्वायर हो गया, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 और 12 का स्क्वायर 144,
यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 4 8 2 1 1 2। यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे ना, ऐड यानी कि CA इक्वल टू 15 यूनिट्स। चलिए, यानी कि 255 का स्क्वायर रूट होता है 15। क्लियर है ना? आप लोग को स्क्वायर रूट कम से कम ना कम से कम होनी चाहिए तो 50 तक रिमेंबर होनी चाहिए, और क्यूब जो है 20 तक कम से कम, एटलीस्ट कह रहे हैं कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए, अब क्या करें, ए बी प्लस बी सी एड करेंगे ना, तो देखिएगा सी आ रहा है। क्लियर है ना? ए बी प्लस बी सी, देखिए ए बी प्लस बी सी यानी कि 5 प्लस 10 तो कितना आया 15 इक्वल टू सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए लेंथ ऑफ सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड आ गया, यानी कि इससे क्लियर होता है यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स, यही तो सॉल्व करना था। चलिए एस ओ डब्ल्यू वन लिख दिए, दिखा दिए ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखिए 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले ट्रायंगल का फोटो बना लेते हैं। देखिए ट्रायंगल का फोटो यहां पर हमने रखा ए बी सी। क्लियर है? देखिए ए इक्वल टू -2 5 रख देते हैं, -2 5। बी 0 1 रख देते हैं, 0 1, एंड सी रख देते हैं 2 -3। क्लियर है यहाँ? चलिए बाय एजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख देना होगा, बाय एजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं और ए बी निकाल रहे हैं। चलिए ए बी इक्वल टू रूट अंडर, देखिए -2 में से 0 जाएगा तो -2 रहेगा, चलिए -2 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 जाएगा तो का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हो गया 20। अब हम बात करते हैं 20, 4 इंटू 5 करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, 4 इंटू 5 कर सकते हैं ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए पेयर बन गया ना, तो जो पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। चलिए ए बी इक्वल टू आ चुका है हमारा 2√5 यूनिट्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना? ए बी इक्वल टू आ चुका है 2√5 यूनिट्स। अब चलिए अब हम चलते हैं, आइए हम चलते हैं बी सी में। चलिए तो बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से माइनस करेंगे, इसको हमारा आसान हो जाएगा। देखिए हमने बोला है कि बार बार चलाकी दिखाना है कैसे हम, ठीक है, किसमें से किसको माइनस करें। ठीक है, एक रिदम होता है, अगर 2 में से 0 माइनस कर रहे हैं तो -3 में से 1 माइनस करना होगा, या 0 में से -2 माइनस करेंगे तो 1 में से -3 को माइनस करना होगा। तो चलिए तो यहाँ पर -3 में से 2 में से 0 तो किया स्क्वायर, -3 तो माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, कितना आ चुका है 2 का स्क्वायर 4, और -3 -4 का स्क्वायर यानी कि हो चुकेगा 4 प्लस 16 यानी कि 20√। तो सेम यही 2 कॉपी आ गया, 2 कॉपी आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू 2√5 यूनिट्स। यही है ना? अब देखिए अब CA करना है, तो चलिए CA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 में से अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो 2 - 2 यानी कि प्लस हो जाएगा। देखिए 2 - 2, ठीक है, स्क्वायर प्लस -3 - 5 का स्क्वायर यानी कि -3 - 5 का स्क्वायर। चलिए लिख दिया, अब देखिएगा यहाँ, ठीक है, तो 2 + 2 हो जाएगा,
यानी कि सी ए इक्वल टू, सी ए इक्वल टू टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट का स्क्वायर, माइनस एट का स्क्वायर। तो देखिएगा हो जाएगा टू टू फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और एट का स्क्वायर कितना होगा सिक्सटी फोर। यानी कि हम लिख सकते हैं कितना, देखिएगा ध्यान से, फोर सिक्स जीरो सिक्स वन सेवन वन एट, ठीक है। अच्छा एटी को कैसे कैसे किस में ब्रेक करेंगे, देखिएगा ध्यान से, एटी को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए हमने एटी लिखा, एटी को किस में ब्रेक करेंगे, तो देखिएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव में कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अच्छा देखिएगा यहाँ पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, यानी कि सी ए इक्वल टू टू इंटू टू इंटू रूट फाइव, यानी कि सी ए इक्वल टू फोर रूट फाइव यूनिट आ चुका है, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, फाइव यूनिट्स, यही है ना। अच्छा इसमें क्या देख रहे हैं, देखिएगा ए बी, ए बी प्लस बी सी करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी थोड़ा सा लिख दिए, चलिए लिखे हैं ए बी प्लस बी सी। तो देखिएगा नाउ, यानी कि अब क्या कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी, तो कितना आया है टू रूट फाइव, टू रूट फाइव प्लस टू रूट फाइव, तो कितना आ गया फोर रूट फाइव। तो फोर रूट फाइव क्या है, सी ए है, चलिए यानी कि थर्ड साइकिल लेंथ आ गया। तो इसीलिए क्लियर होता है, इसलिए ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या किए जी, इसको सॉन कर दिए, दिखा दिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है सो डैट द पॉइंट्स ए 70 बी माइनस टू फाइव एंड सी थ्री माइनस फोर आर द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस, आइसोसेलस मतलब क्या होता है, टू साइड्स क्या होनी चाहिए, टू साइड्स क्या होती है इक्वल, टू साइड्स इक्वल होगा, क्लियर है। अच्छा एक राइट 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 ट्रायंगल मतलब वन एंगल कितना होनी चाहिए, वन एंगल होने चाहिए 90 डिग्री। तो ये कैसे पता चलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड्स, ठीक है, क्लियर है ना। टू देखिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड्स, क्लियर है। चलिए अब कहने का मतलब होता है, यहाँ पर हमने फोटो बना लिया, देखिए अभी हमको पता नहीं है, अभी हमको क्या पता नहीं है। चलिए हमने यहाँ ए ए 70 लिखा, बी देखिए माइनस टू फाइव लिख दिया एंड सी थ्री माइनस फोर, ठीक है। चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, चलिए सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ए बी, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर का द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, तो यानी कि स्क्वायर के रूप में आनी चाहिए। तो चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं सेवन माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस टेन माइनस फाइव का स्क्वायर, टेन माइनस फाइव का स्क्वायर। अब क्या देखना है, अब हमारे पास आ चुका है और थोड़ा तेजी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सेवन नाइन टू का स्क्वायर फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव, यानी कि सेवन टू यहीं पर लिख देते हैं ना, ठीक है, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन का स्क्वायर एटी वन। तो अगर ऐड हम करते हैं तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, वन जीरो सिक्स आ चुका है। अब हम चलते हैं बी सी की बारी आ गई, तो चलिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, लिख सकते हैं माइनस टू माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस टू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस माइनस फोर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। देखिए माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव प्लस फोर, यानी कि फाइव प्लस फोर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन का स्क्वायर एटी वन, यानी कि जो बी सी स्क्वायर भी हमारा आ चुका है कितना, वन जीरो सिक्स। अब देखिए अब मजा क्या आएगा,
हमने क्या लिखा था, टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों क्या है, दोनों का स्क्वायर का स्क्वायर कितना है 106 और बी सी स्क्वायर भी 106 है। आइसोसेलस तो हो गया, अब देखते हैं, चलिए अब पारी है सी ए का। तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए से अगर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करना होगा, यही ना। तो चलिए 7 में से 3 माइनस करते हैं, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस 4, 10 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर 7 माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर और 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 4 यानी कि 10 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिएगा जरा सा ध्यान से, तो सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आया प्लस यानी कि 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो देखिए सी ए स्क्वायर इक्वल टू आया 6 12 की 2 9 1 10 1 11 1 1 2 212। कहने का मतलब सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब होता है कि दोनों को जब हम सम कर रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों का सम कर रहे हैं तो सी ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। सुनिए 106 है ना, तो देखिएगा इससे पता चल गया, सुनिएगा क्या कौन, अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, तो सुनिए कहां से पता चलता है, सुनिएगा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। चलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, यानी कि देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कहता है कि ए बी स्क्वायर, देखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस किए और बी सी स्क्वायर प्लस किए, देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स हो गया, चलिए यानी कि 1 यहीं पर लिख देते हैं 106 प्लस 106 इक्वल टू कितना आया 210, ये किसके बराबर होता है सी ए स्क्वायर, सम ऑफ टू साइड्स देखिए थर्ड साइड के इक्वल आ गया है 212 सी ए स्क्वायर। चलिए यानी कि ये राइट एंगल हमको कैसे पता चलता है कि कौन सा एंगल है, ठीक है। तो देखिए कॉमन कौन सा है, ए बी बी में कौन कॉमन है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर में देखा जाता है कि कौन कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए बी कॉमन है ना, यानी कि एंगल बी 90 डिग्री होगा। अगर क्वेश्चन आता है एंगल बी 90 डिग्री होगा तो अगर फोटो बनाने के लिए कहेगा तो देखिए यहाँ पर बी होगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब आप इसको ए ले लें या इसको सी ले लें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। तो यानी कि कहने का मतलब होता है कि यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो किया इसलिए क्या है आइसोसेलस राइट ट्रायंगल हो चुका है, यानी कि देखिए इसलिए ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, तो टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, तो चलिए टू साइड्स को भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू 106 है, तो टू साइड्स इक्वल है। और देखिए ये स्क्वायर ऑफ, देखिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड्स, ये पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ये आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कर रहा है 20, सो डेट द पॉइंट्स ए 30 बी 64 सी -13 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, आइसोसेलस मतलब क्या होता है, टू साइड्स क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होगा, कोई भी टू साइड्स इक्वल होगा, राइट एंगल कह रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए, यानी कि वन एंगल कितनी आनी चाहिए, वन एंगल 90 डिग्री। ये कैसे पता चलता है कि वन एंगल 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है, कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है, ठीक है, क्या कि
वन एंगल 90 डिग्री होगा। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड्स, तो तब हम समझ जाएंगे कि 90 डिग्री है। चलिए राइट एंगल हो गया और टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन करने से पहले हम फोटो बना देते हैं, फोटो बनाना कंपलसरी है। चलिए हमने फोटो बना दिया, हमें ये नहीं पता है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है ना। चलिए ए इक्वल टू 30, बी इक्वल टू 64, सी इक्वल टू -13 हो गया ना। चलिए अगर हाँ, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, द सम ऑफ अ स्क्वायर, तो हम चलिए स्क्वायर करते हैं। तो पहले ए बी स्क्वायर करते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर किए तो 4 - 0 हो जाएगा, यानी कि 4 - 0 का स्क्वायर। अच्छा देखिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 16, यानी कि ए बी स्क्वायर कितना आ चुका है 25। चलिए इतना आ चुका है ना। अब देखिएगा क्या है, अब बी सी निकाल रहे हैं। चलिए बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर किए तो 6 - 1, देन 6 - -1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 6 में से माइनस वन करेंगे ना, तो माइनस देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब 4 - 3 का स्क्वायर, अच्छा देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो चलिए 6 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि जो बी सी स्क्वायर है वो आ चुका है 50, यही ना। चलिए 50 आ चुका है, कहने का मतलब हम आ चुके हैं अभी ए बी स्क्वायर 25, बी सी स्क्वायर 50। अब चलिए हम बात करते हैं सी ए स्क्वायर के बारे में। चलिए सी ए स्क्वायर, सी ए यानी कि -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 माइनस होगा, यानी कि 3 - 0 का स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अभी देखिएगा सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 कितना होगा 25, यानी कि 25 आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि देखिए टू साइड्स इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर क्लियरली क्या दिख रहा है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर इक्वल टू 25। देखिए टू साइड्स इक्वल हो गया, आइसोसेलस में कहने का मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि आइसोसेलस है, टू साइड्स इक्वल है, देखिए टू साइड्स इक्वल है, यानी कि चलिए अब वेरीफाइड हो गया। और राइट एंगल के लिए क्या वेरीफाइड होना चाहिए, सम ऑफ, देखिए सम ऑफ स्क्वायर टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं ए बी स्क्वायर 25 सी ए स्क्वायर, तो अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाला अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। किसके लिए पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये केवल, ठीक है, किसके लिए होता है, राइट एंगल के लिए होता है, ठीक है, राइट ट्राइंगल के लिए होता है। तो चलिए ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ पर पहले लिख देते हैं कितना है 25 + 25 है ना इक्वल टू 50 इक्वल टू सी ए के नहीं बी सी स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब देखिए ए बी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर दोनों में कॉमन क्या है, ए है, ए यानी कि 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 90 डिग्री कौन होगा, ठीक है, तो ए यहाँ पर 90 डिग्री, कैसे पता चलता है, तो सुनिएगा यहाँ से पता चलता है। देखिए दोनों का जब हम सम करते हैं ना, टू सम टू साइड्स का और स्क्वायर का सम करते हैं ना, उसमें देखते हैं कि कॉमन कौन है, तब तो वही 90 डिग्री होता है। देखिए ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर दोनों में कॉमन क्या है, ए है ना, तो ए 90 डिग्री होगा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भी वेरीफाइड हो गया, तो इससे पता चलता है, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए
ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, है ना। ये हो गया हमारा, क्या करना था जी, सोट डेट। तो चलिए हमने सोन कर दिया, लिख देंगे सोन, ठीक है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना हो रही है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।